जय जिनेंद्र, नमस्ते। मैं हूँ आपकी दोस्त रूवी जैन और आप मुझे भरपेट के नाम से डेफिनेटली जानते होंगे। आज हम बना रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्लाइस घर पे, बिकॉज बाहर की चीज में होता है रेनेटिन। रेनेटिन और प्रिजर्वेटिव्स के हिसाब से हम जैन यूजुअली चीज नहीं खाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं चीज स्लाइस घर पे, जो आप एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो जब भी आपका मन चाहे। तो सबसे पहले हम लेंगे फुल फैट मिल्क 1 लीटर और उसे हम पैन में डाल देंगे। दूध को हम अच्छे से चलाते हुए कुक कर लेंगे, सो दैट ऊपर कोई मलाई ना जम जाए। तो जब तक हमारा दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है, हम लेमन और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सो दैट जो लेमन का एसिडिटी है वो कम हो जाए और जब दूध में घुले तो वो अच्छे से धीरे धीरे फटे, सो दैट हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट और स्ट्रेची हो, ना कि हार्ड। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस और मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साइड में रख दूँगी। यहाँ पे दूध इतना ही गर्म होना चाहिए कि हमारा फिंगर इसे 3 सेकेंड्स तक अच्छे से होल्ड कर सके। अभी हम हमारा लेमन मिक्सचर दूध के अंदर धीरे धीरे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसे चलाते हुए जाएंगे, आप देखोगे कि आपका पनीर अच्छे से फट गया है और एकदम चुई सा टेक्सचर हो गया है, विच मीन्स जैसे अपना पनीर होता है एकदम छुट्टा छुट्टा या क्रमली, वैसा नहीं होगा और बल्क में जमा होना लग जाएगा। जब ये अच्छे से फट जाए और पानी थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, हम इसे एक मसलिन क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें से सारा एक्सेसिव पानी निकाल देंगे और जो वे बचेगा उसे हमें फेंकना नहीं है, बिकॉज इट हैज़ हाई प्रोटीन, तो हम इसमें आटा गूंदने के लिए या सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो पनीर हमारा अभी निकला है, इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने पनीर को वॉश नहीं किया है, बिकॉज चीज़ में एक हल्का सा खटास टेक्स्चर होता है विच इज़ सॉल्टी एंड टैंगी, तो मुझे वो चाहिए। स्टोबर्ड बाहर की चीज़ होती है, उसमें यूज़ होता है बहुत सारा प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर और रेनेटिन, बट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सोडियम सिट्रिक सॉल्यूशन, जो आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हो। इसके लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, 1 इज़ सिट्रिक एसिड एंड 2 इज़ बेकिंग सोडा, जो आपके घर पे बहुत इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लेंगे सिट्रिक सोडा या सिट्रिक एसिड और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर इसे डाइल्यूट कर लेंगे विथ सम वाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सो दैट जितना भी इसके अंदर पाउडर सब्सटेंस है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और एक भी क्रिस्टल अंदर ना हो। जब सिट्रिक एसिड अच्छे से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये जो बबल्स है वो पूरे कम्प्लीटली पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। तो चीज़ बनाने के लिए हमारा ये सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन रेडी हो गया है और हम चीज़ बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए जो पनीर हमने बनाया था वो, अलोंग विद 1/3 कप ऑफ मिल्क, 50 ग्राम्स ऑफ बटर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम डालेंगे पनीर, फिर डालेंगे हम रूम टेम्परेचर बटर अलोंग विद मिल्क एंड सॉल्ट। फाइनली जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इसे अब एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। चीज़ को अब हमने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी हम इसे डबल बॉयलर से थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे फॉर 4 to 5 मिनट्स, सो दैट हम इवनली इसे स्प्रेड कर सके।
अभी हमारा चीज़ का बैटर प्रॉपरली रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ एंड सिल्की है, एकदम रबरी टेक्सचर में है। अभी हम इसको बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे और तुरंत ही काम करना चालू कर लेंगे, फटाफट से स्प्रेड कर देंगे सो दैट चीज़ जल्दी से सेट होना स्टार्ट हो जाए। इसे एकदम थिन शीट की तरह स्प्रेड कर लेंगे बिकॉज बाहर की जो स्टोबॉट चीज़ होती है वो ना ज़्यादा थिक होती है ना ज़्यादा थिन होती है। जैसे आप इसे ट्रांसफ़र कर लोगे ऑन टू बेकिंग पेपर, ये ऐसे ही धीरे धीरे सेटल होना चालू हो जाएगा। हम इसे अभी फ्रिज में रख देंगे फॉर 15 to 20 minutes सो दैट ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए और रेडी हो जाए कट करने के लिए। तो 15 मिनट हो गया है, हमारा फ्रिज में ये चीज़ ऑलमोस्ट सेट हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, हाथ में ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, है थोड़ा जगली बिकॉज चीज़ हमेशा यूजुअली सॉफ्ट ही होता है, बट ये देखो हाथ पे बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, विच मीन्स हमारा चीज़ सेट हो गया है। अभी हमारे पास ये स्क्वायर्स मैंने कट कर लिए थे बिकॉज मार्केट का जो चीज़ आता है वो इतने स्मॉल स्क्वायर शेप में मिलता है, तो इसे हम ये इसे ऐसे रख कर हमें इसे कट कर लेना है। तो लीजिए, हमारा होममेड चीज़ स्लाइस रेडी हो गया है ना, एकदम इजी, झटपट से बन जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आप भी इसे जल्दी से बनाओ और गवा गव खा जाओ। तो यहाँ पे चीज़ के साथ मैं मेरा होममेड ब्रेड यूज़ कर रही हूँ विच इज़ नो मैदा, 100% होल व्हीट फ्लावर विदाउट एनी ईस्ट और झटपट से भी बन जाता है एंड हेल्दी भी है। तो अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ एंड आई विल शेयर द रेसिपी सून।